हेलो दादी ओकन छा तुम ठीक ही होला। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं छाए देखो मेरी आंखो। और अभी मेरी क्लास खत्म होगी, मैं अपनी डाला के साथ खेलू छा। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियो देखें। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं वो सारे मैंने धो के रख दिए थे टोकरी में, और ये गैस स्लैब साफ कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ सामान था जो कि दो दिन हो गए थे लाए हुए दुकान से, तो यहीं पे रखा हुआ था दाल वगैरह, तो इसको मैंने डब्बे पर नहीं डाला था। और बाहर में रखा हुआ तो मैंने अभी यहाँ स्लैब में रख दिया। उसके बाद जो इसके दाल वगैरह के डिब्बे होते हैं ना, उनको वॉश करके फिर उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था और पीऊ के लिए रखा हुआ था मैंने कप में। तो ये वीडियो है, लगभग 10 बजे का टाइम रहा होगा मॉर्निंग में, और इसकी क्लास चल रही थी पीहू की। ये यहाँ पे मोबाइल से चल रही थी इसकी क्लास, और बीच बीच में देखना पड़ता है, कुछ इसको समझ में ना आए तो इसको भी बताना पड़ता है। तो इस तरह से ये अपनी क्लास अटेंड करती है। कभी थक रही है तो ऐसे लेट रही है, और मैं इसको बता रही थी कि आँख पे उंगली मत लगा, पहले ही इंस्पेक्शन हो रखा है तो बार बार हाथ मत लगा अपनी। और उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, तो यहाँ मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ सारे काम निपट जाने के बाद। तो इस यू की क्लास चल रही थी और मैं यहाँ आ गई थी। झाड़ू तो पहले ही लगा लिया था मॉर्निंग में, तो अब मैं पोछा लगा रही थी चादर वगैरह सेट करने के बाद। तो यहाँ आना जाना ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ मैं आराम से जब भी टाइम मिले तभी पोछा लगा लेती हूँ, और बहुत कम होता है इस वाले में पोछा लगाने के लिए। तो दोनों साइड से बेड हैं और थोड़ा सा बीच ही बीच में है, लेकिन ऐसे वाले बेड हैं तो इनमें से जो है अच्छी तरह से नीचे पोछा लग जाता है। जो दीवान है जो हमारे रूम में, तो उनमें नीचे नहीं लगता है, और ये ऐसे वाले तो इनमें अच्छी तरह से नीचे तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो इसमें भी लगा लिया था। उसके बाद बाहर बरामदे में और दूसरे रूम में किचन में, वो तो मैंने पहले ही मॉर्निंग में ही लगा लिया था पोछा। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग जो है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आते ही बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं। जो कल मैंने वीडियो डाली थी, तो मैं ब्लॉग ही डालती हूँ, ब्लॉग का चैनल है तो ज़्यादा करके ब्लॉग ही डालती हूँ। तो उसमें बहुत सुंदर भजन ऐसा एक कमेंट आया था, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं कह रही हूँ ऐसा कमेंट ना करें कि अंदाजे से ही कमेंट कर देते हैं। वीडियो के अंदर देखती नहीं है कि क्या है। बहुत सुंदर भजन तो मैं डालती नहीं हूँ मेरा, और इससे पहले भी आया था वेरी नाइस सॉन्ग, पहले भी आया था एक बार। तो ब्लॉग का चैनल है तो ऐसा पहले थोड़ी देर, ज़्यादा से नहीं तो 2-3 मिनट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही कमेंट करें, अंदाजे से ही कमेंट ना करें प्लीज। तो यहाँ भी पूरा रूम में पोछा लग गया था, और इनकी बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी थी। खिड़कियाँ बंद कर देते हैं बच्चे, तो अभी मैंने खोल ली थी तो अच्छी हवा आ रही थी दोनों साइड की खिड़की खोल करके, लेकिन ये बच्चे नहीं खोलते, इनको अच्छा नहीं लगता है। इनकी बुक्स, आज तो गौरव ने अपनी बुक्स अच्छे से खुद ही रखी थी, क्योंकि मैं डेली उसी से करवाती हूँ कि जो भी सामान बिखेरेगा अपना सामान खुद से लगाओ। तो इसलिए उसने कहा कि जब खुद ही लगाना, मैंने तो मैं पहले से ही लगा लेता हूँ, तो उसने सारी अपने आप ही अच्छे से लगा रखी थी। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, मैं जितनी बार इधर उधर सामान बिखरा हुआ मिलेगा ना, तो मैं बोलती हूँ अपना सामान खुद से सही करो। तो खुद से जब काम करना पड़ता ना, तो फिर गंदा भी नहीं करते हैं। और इस वाले रूम में तो पहले ही लग गया था, और इसको गर्म हो रहा होगा तो बोल रही मुझे नीचे बैठ के लिखना अच्छा लग रहा है, फर्श में ठंडा ठंडा सा। तो मैं उसको बोल रही थी कि ऐसे भी गर्दन में दर्द हो जाएगा और कमर भी झुक जाएगा, तो ऊपर बैठ के या तो चेयर में बैठ के अपना काम कर ले, और नीचे झुक रही तो बाल भी आंखों में आ रहे हैं। तो इसको बिठा लिया मैंने यहाँ पे, और इस तरह से इतना मतलब झुक के कमर दर्द भी नहीं होगा। बाल न तो कटवाने देती हो, ना ही पोनी भी नहीं बनाने देती है, तो ऐसे में दिक्कत होती है, जैसे नीचे झुक रही तो सारे आंखों में आ रहे हैं।
और सारे काम हो गए थे तो यहाँ पे अब लंच की तैयारी हो रही थी। लंच में मैं बना रही थी गढ़वाली डिश आलू के थिंचवाणी। तो इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने एक या दो बार पहले शेयर कर रखी है। तो 3 आलू मैंने निकाले हैं, प्याज निकाला, लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्च। तो इनको आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, अब इनके छिलके उतार दूंगी, उसके बाद कूटूंगी सिलबट्टे पे और मिर्च लहसुन को एक साथ पीस दूंगी और जो प्याज रखा है उसे बारीक कट कर दूंगी। तो यहाँ पे सारे सूखे मसालों के साथ मसाले भुन गए थे, उसके बाद मैंने जो आलू कूट रखा था सिलबट्टे में तो उसको अच्छी तरह से मसालों में पका लिया ऐसे ही करछी से घुमाते घुमाते। तो 2-3 मिनट मैंने इसी तरह से भुना है सारे मसालों के साथ, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया मसालों में आलू। इसके बाद जितना मुझे थिंचवाणी बनाना है ना उतना पानी डालूंगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बच्चों को इतना पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा कम ही सूप करूँगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पतला वाला नहीं बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं इस पर पानी डाल दिया और इसके बाद मैं इसमें ढक्कन रख दूँगी और बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि आलू तो बारीक कूटे हुए हैं। और यहाँ पे अपने लिए बनाई मैंने 1 कप चाय, क्योंकि अगर चाय मेरी पसंद की ना हो ना तो मैं कितनी बार ही पी लूँ, मुझे चाय पी हुई लगती नहीं है। तो मॉर्निंग की चाय में थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया था और मुझे लगा नहीं कि मैंने चाय पी, जब तक कड़क चाय चाय थोड़ा सी हो, 2 घूंट हो और कड़क बनी हो, मीठा कम हो, तो लग जाता है कि हाँ भाई चाय पी है मैंने। तो मॉर्निंग की चाय मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई। और देखिए मेरी लंच की थाली है, प्याज कटा हुआ सलाद में, हरी मिर्च है, आलू का थिंचवाणी भात। आप लोग भी थिंचवाणी भात खाने आ जाइए और आप लोग जो नहीं बनाते वो ट्राई करके देखें, इसमें टमाटर डालें ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने बिना टमाटर के बनाई है ये थिंचवाणी, इस तरह से बनाते हैं। और मैं खा रही थी और साइड में पीहू तो रोटी खा रही है, मैं चावल खा रही हूँ तो वो थिंचवाणी के साथ जो है रोटी खा रही है, वो चावल बिल्कुल पसंद नहीं करती है, रोटी ही खाती है। तो यहाँ पे लंच कर लेते हैं। और यहाँ पे इवनिंग में मैं एक सलवार की कटिंग की है और परसों कर ली थी ये कटिंग, अभी तक मैंने इसको सिला नहीं, तो इस तरह से कटिंग करके मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया। पहले का पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ये कटिंग करके रख दिया पूरा सलवार। अब इसकी स्टिचिंग करूँगी, 2 दिन हो गए अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, तो देखूँगी आज शायद इवनिंग में मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। इस तरह से काटा है, मशीन मैंने निकाल ली थी लेकिन नहीं लगा टाइम, फिर तब बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, उनके लिए स्नैक्स बनाना था तो वो ट्यूशन से आ गए थे। और मैंने यहाँ पे डेली बाहर का लाते हैं, कभी बिस्किट कभी रस वगैरह, तो मैंने कहा आज मैंने 2 आलू काटे थे, उसकी बनाई थी उनके लिए पकौड़ियाँ और चाय थोड़ी सी बनाई, वो जो चाय नहीं पीते हैं, तो आलू की पकौड़ी और चाय बनी हुई थी और यहाँ पे बन गई थी, थोड़ी सी बनाई मैंने, 2 आलू कटे सिर्फ। और गैस बंद कर दिया और अपने लिए ये मैंने चाय रखी है और इस प्लेट में है पकौड़ियाँ, तो थोड़ी थोड़ी करके सबके लिए दे दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि ज़्यादा खा लिया, क्योंकि टाइम 6 बजे का या 6:15 बजे का था, फिर नाइट में जो है डिनर नहीं करते हैं, इसलिए स्नैक्स में थोड़ा थोड़ा ही दिया। और इसकी देखो क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे, इसको जब भी मौका मिले, तो इसने शायद कुछ सॉन्ग लगा रखा था, चल रहा था उस पर डांस कर रही थी। तो ये मैंने अपने लिए इतनी निकाली हरी मिर्च के साथ पकौड़ी और चाय, तो आइए आप लोग भी खाइएगा। और वीडियो आज इतनी ही थी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।